दिल्ली के बदरपुर से खबर मिल रही है मुझे कि एमसीडी के टोल दफ्तर पर फायरिंग हुई है। इस वारदात में टोल दफ्तर के कैशियर और गार्ड की मौत हो गई है। और खबर यह भी है कि बाइक पर आए अज्ञात बदमाशों ने टोल पर उस बूथ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, इसमें कैशियर और गार्ड की मौत हो गई है। अभी और डिटेल्स अवेटेड है, हम इंतजार कर रहे हैं कि बदमाश थे कौन। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए। प्रमोद, ये कौन लोग थे, बाइक पर आए, क्या लूटपाट के उससे आए थे या कोई और बात थी? देखिए, ये एमसीडी टोल टैक्स का एक ऑफिस है, ताजपुर इलाका है बदरपुर में, यहाँ पे इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था। और यहाँ पर सुबह दो लोग हैं वो आए थे और उन्होंने गोली मारी है। एक हेड कैशियर है महिपाल और कैशियर मोहन, इन दोनों को गोली मारी, जिनकी जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ से इन्हें डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया है। उसके बाद से बताया जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से आए थे, लेकिन लूटपाट में ये कामयाब नहीं हो पाए। कैश पूरा सेफ है, लैपटॉप वगैरह ये लेने के भाग गए। और बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग सामने वाले मकान में पिछले 3 महीने से रह रहे थे और पैरामाउंट कोचिंग सेंटर से ये सब दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे और उनको पता था कि यहाँ पे काफी कैश रहता है। इसके बाद से ही ये दोनों लोग फरार बताए जा रहे हैं और लोगों ने भी देखा है गोली चलने के बाद इन्हें भागते हुए। तो पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है और उन लोगों को अट्रैक कर रही है कि आखिर ये जो लोग यहाँ पे रह रहे थे ये कहाँ पर है, इनका असली पता क्या है। अब पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। प्रमोद बता रहे हैं कि लूटपाट के मकसद से ये वहां पहुंचे थे, हालांकि ये कर नहीं पाए।